अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का वीलॉग ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगी जहाँ पर आप कभी भी नहीं गए होंगे। मैं आपको फाल्कन कॉम्प्लेक्स हाउसिंग सोसाइटी में लेके जाऊंगी। अच्छा, तो ये गुलबर्ग में कलमा चौक वाली साइट में ये सोसाइटी है। वहाँ पर आर्मी एयर पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़्यादा मेम्बर्स के हाउस हैं, उनको मिले हुए हैं और उन्होंने आगे से किराए वगैरह पे दी हुई। तो वहाँ पर एक क्लब है, AFOHS के नाम से ये क्लब है और ये स्पेशली बनाया गया है कि फाल्कन सोसाइटी में रहने वाले ज़्यादा आर्मी होते हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली बनाया गया था और उन्हीं ही मेंबरशिप इसकी दी जाती है। वहीं के लोग यहाँ पर आ सकते हैं और वहाँ के रेजिडेंट्स यहाँ पे अगर उन्होंने किराए पे भी दिए हुए हैं तो वहाँ पे रेजिडेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास मेम्बरशिप क्लब का ज़रूर होनी चाहिए, फिर आप इस क्लब के अंदर ना एंटर हो सकते हैं। ये क्लब नहायत ही बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत कम होता है कि जैसे DHA और लेक सिटी, यहाँ पे इस तरह के क्लब मैंने नहीं देखे, लेकिन ये फाल्कन सोसाइटी में ये क्लब मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, तो इसका रेस्टोरेंट में ना, हम मसाला रेस्टोरेंट था, इस पूरे क्लब में ना डिफरेंट चीज़ें बहुत से आपके एक्टिविटी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह मैं आपको बाद में डिटेल बताऊँगी। ये मसाला रेस्टोरेंट था, यहाँ पर हम लोगों ने पूरी फैमिली ने ना डिनर हमारा किया था। तो यहाँ का इंटीरियर बहुत प्यारा था, चेयर्स लगी हुई थी, फैमिली का माहौल था, बहुत ही कोऑपरेटिव और पॉजिटिव इन्वायरमेंट था। तो मैं तो इस रेस्टोरेंट में हाईली रिकमेंड करूँगी। मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखाती हूँ। देखिए, इन्होंने साइड पे, आप यहाँ पे खड़े होकर अपनी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। इंटीरियर इनका बहुत प्यारा था, बहुत अट्रैक्टिव था, तो मुझे तो हाईली रिकमेंड करूँगी। ये सामने इन्होंने, अगर आपके पास ज़्यादा फैमिली के लिए आपने बुके करवाना है तो उसके लिए भी अलग से इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा, तो हमने देसी और चाइनीज़ का ना मिक्सचर किया था। हमने कबाब मंगवाए थे, बारबेक्यू मंगवाई थी और चिकन हांडी मंगवाई थी और हमने अचारी गोश्त भी मंगवाया था। ये अचारी गोश्त है और मुझे ना सी कबाब बहुत पसंद है। सी कबाब और बारबेक्यू मुझे मेरी मामा को बहुत पसंद है, तो वो हमने लास्ट में ऑर्डर करवाया था। ये एक सी कबाब था और हमने साथ में बारबेक्यू था और ये इस तरह के हमने, और ना हमने मटन की भी डिश कर ली थी भड़ों के लिए, क्योंकि वो मटन वगैरह खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो खाना बहुत मज़े का था, मुझे बहुत मज़ा आया खाने का और फ्रेश था। सर्विस बहुत अच्छी थी, इन्होंने हमें टाइम टू टाइम डिशेस दी। ये नहीं किया कि एक डिश बाद में आई, दूसरी डिश बाद में आ रही है। इन्होंने हमें टाइम टू टाइम ना हमें हर डिश दी, कि ये ना हो कि हमारा टाइम वैसा हम क्यों फलाना डिश कहाँ पे। सर्विस वाकई में बहुत अच्छी थी, हालांकि ना कुछ रेस्टोरेंट की होती सर्विस नहीं अच्छी थी। सर्विस भी अच्छी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था और जैसे लग रहा था फ्रेश बना हुआ है, पुराना नहीं बना हुआ। हर चीज़ फ्रेश थी और खाने का मज़ा भी आ रहा था। तो मैं इस रेस्टोरेंट को ना हाईली रिकमेंड करूँगी, मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर खाने का। अच्छा, चाइनीज़ में हमने चाइनीज़ राइस मंगवाया था और चिकन मंचूरियन और चिकन शाचलिक मंगवाया था। ये दो चीज़ें हमने मंगवाई थी। चाइनीज़ इतना खाते नहीं हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए उन्होंने मंगवा ली थी, तो चाइनीज़ भी बहुत अच्छा था। लेकिन चाइनीज़ को मैं 10 में से 7 दूंगी, इतना खास नहीं था। जिनका इनका देसी खाना बहुत खास था, वो खाने का बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे तो सीख कबाब अच्छे हों तो मैं बहुत खाती हूँ, और बारबेक्यू, ये दो चीज़ें वाकई में बहुत अच्छी थी। बहुत कम लोग होते हैं कि ये भी चीज़ अच्छी थी। टाइम टू टाइम ये हमें बोतल सर्व कर रहे थे। हमने जैसे ही खाना खाया था तो उन्होंने हमसे स्वीट डिश का पूछा था। मैंने कुल्फ़ी मंगवाई थी, कुल्फ़ी मुझे बहुत मज़े की लगी, क्योंकि कुल्फ़ी इज़ दी बेस्ट, आई लव कुल्फ़ी। और हमने साथ में आइसक्रीम भी इनसे मंगवाई थी, सबने एक एक स्कूप अपने लिए मंगवा लिया था। इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल ही सामने ना एक जगह बनी हुई थी, वहाँ पे लोग स्नोकर्स भी खेल रहे थे। अच्छा, तो मैं आपको ना इसी रेस्टोरेंट के ऊपर वाली जगह दिखा देती हूँ। ये तई टेरिस के बारबेक्यू यहाँ पे बनता है, तो ये जगह बहुत प्यारी थी, बहुत भरी थी, काफ़ी बड़ी थी। इतना रेस्टोरेंट नीचे से भरा नहीं था जितना ऊपर वाला ये टेरिस बारबेक्यू। तो इन्होंने छोटे छोटे शॉप्स ना एक क्लब के अंदर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर कम ही लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन लोग चिल आउट करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ से खाना खा रहे थे। और स्पेशली टेरिस बारबेक्यू है, तो इसका भी इंटीरियर बहुत अच्छा था। और ये नीचे वाली साइड आपको दिखती है ऊपर से, जहाँ से एंटर होते हैं ना, तो यहाँ पे लोग बैठ के चिल करते हैं जब उनका दिल करता है, अपने घरों से बाहर आते हैं और यहाँ पे चिल करते हैं। ये सामने वाला एरिया, यहाँ पे भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट और क्लब्स बने हुए हैं और शॉप्स बनी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। स्विमिंग पूल वगैरह भी है। तो ये इंटीरियर, ये टेरिस का ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। इन्होंने बहुत ही, जैसे ना आपकी वाइब ही अलग हो जाती है ना उस तरह का था। ये सामने LCD लगी थी, यहाँ पे बैठकर आप मैच
कुछ देखो, कुछ भी देखो, यहाँ पे सामने ये शॉप थी, ये सारा जगह, और ये था थोड़ी सी जगह पे ना अंकल ना फलूदा लगा के बैठे थे, अभी इन्हें बना ही नहीं रहे थे, तो मैंने कहा था मैं बाद में इसकी वीडियो बनाऊंगी। और ये छोटी सी ना सामने की साइड पे ही ना पान की इन्होंने शॉप लगाई हुई थी, तो ये अंकल आपको बताएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मीठे पान में डलता है, मिंट होती है खुशबू। अच्छा मिंट है, और ये मेवे हैं, ये सुपारी बारीक छारी होती है। अच्छा और ये कटी हुई खजूर होती है। अच्छा कटी हुई खजूर, ये चीनी डाली हुई ऊपर, ये मिक्स किया होता है इसमें खुशबू होती है। अच्छा अच्छा, और ये उसका पान का वाइट कथा चूना। अच्छा ये भी वही है, ये खुशबू वगैरह, इलायची है, और ये वो है पान की। अच्छा तो मैंने पान कभी खाया नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन छोटा सा क्यूट सी जगह थी, मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा तो इन्होंने ये हॉर्स डेकोरेशन पीस के लिए रखा हुआ था, मुझे बहुत ही क्यूट लगा। दूसरी साइड के बिल्कुल ही सामने था, इन्होंने बहुत अच्छा, इन्होंने इंटीरियर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और ये एक जगह थी, यहाँ पे गेस्ट रूम था, ये एक प्राइवेट जगह थी, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स भी थी और डिफरेंट, और ये एक कैफ़े था, इन्होंने हर चीज़ थी, और ये चाय ढाबा था, ये बहुत प्यारा था, मुझे इसका इंटीरियर इतना अच्छा लगा, हर वाइब में ना चाय की वाइब आ रही थी। ये बेस्ट है चाय लवर्स के लिए, लिखा हुआ था ब्लड ग्रुप टी पॉजिटिव, बहुत अमेजिंग कोड्स लिखे थे जी आया नू, तो इस तरह के मुझे ना ढाबा बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इन ऐसी जगहों पे आपको ढाबे का इंटीरियर मिल जाए तो बहुत ही होता। अच्छा इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल ढाबे जैसा, ये छोटी सी ढाबे जैसी चाय का डलते हुए का इंटीरियर बनाया हुआ था, तो इन्होंने चेयर्स भी उसके अकॉर्डिंग ही रखी हुई थी, तो आप देख सकते कितना प्यारा इंटीरियर लग रहा था और फुल वाइब दे रहा था चाय की। यहाँ पे बैठ के लोग चाय पी रहे थे, पंखे भी रखे हुए थे, और ये रिक्शा था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा और क्यूट सा, ये सारी वाइब देसी वाइब दे रहा था। अच्छा देसी वाइब बहुत अमेजिंग होती है जब इस तरह की जगहों से आती है, तो यहाँ पे सारा एक किस्म का ढाबे का कल्चर शो हो रहा था, तो मुझे यहाँ पे बैठ के चाय पीने का ना बहुत ही मज़ा आया। तो मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि आप हाईली रिकमेंड करूँगी यहाँ पर आएँ। और ये एक छोटा सा इन्होंने रेस्टोरेंट था, सामने लाइव चाय बना रहे होते हैं, और इनके पास दूसरी भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि चाय पीते हुए पराठा वगैरह। अच्छा तो ये साइड पे ना किड जोन था, यहाँ पे ऊपर से चाय ढाबे के नीचे से ही नज़र आता था, ये किड के लिए स्पेशली बना हुआ था, अगर वो इंजॉय करना चाहते हैं यहाँ पर आकर इंजॉय करें। तो यहाँ पे छोटे छोटे झूले लगे हुए थे, और ये डेकोरेट किया हुआ था ट्रीज से और फ्लावर से। तो ये टी, हाउ वाज दी टी, ये कितना अमेजिंग था ना, इन्होंने काम बहुत, इंटीरियर बहुत अच्छा रखा है, पेंटिंग बहुत अच्छी है, ढाबा चाय था अपना, तो ये बहुत अमेजिंग था। क्लॉक बनाई हुई थी टी टाइम की, और उस पर लिखा हुआ था, इनकी हर वॉल पे ना काम हुआ हुआ था और पेंटिंग हुई हुई थी। ये एक छोटा सा, मुझे ऐसे लगा ये सच्ची में धुआं है, लेकिन एक्चुअली ये काम हुआ हुआ था सारा, इसके ऊपर वो पेंट से वगैरह काम किया हुआ था। ये लैम्प था, मुझे बहुत ही क्यूट लगा, अमेजिंग, देखते ही आपको बहुत अमेजिंग लगना शुरू हो जाता है। अच्छा तो ये गेस्ट रूम वाली साइड पे, यहाँ पे मेंबरशिप जिनकी होती है वही होती है, जा सकते हैं। और ये दूसरा चाइनीज़ रेस्टोरेंट है लेबनीज़, और ये अब मैं किड जोन में जा रही हूँ, इस एरिया से आप किड जोन में जाते हैं, ये देखिए जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया है ना ये वही है। अच्छा तो इन्होंने किड्स जोन की भी पेंटिंग बहुत अच्छी की है, ताकि किड्स को अट्रैक्टिव करे, वॉल पे पेंटिंग इन्होंने उनके अकॉर्डिंग की हुई है फाल्कन कॉम्प्लेक्स में, इस क्लब में। मैंने कभी भी ऐसे क्लब नहीं देखे कि स्पेशली किड्स के लिए डेकोरेशन बहुत अच्छी की है, ताकि, अच्छा इसकी फ़ीस नहीं है, मेंबरशिप की फ़ीस है, लेकिन अगर इस क्लब में झूले लेने की, बच्चों की, इसकी फ़ीस नहीं है, खाना खाने की फ़ीस है, स्विमिंग पूल की फ़ीस है, उस मेंबरशिप्स में ही होती है, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने की मेंबरशिप होती है, आउटसाइडर भी शायद अलाउ हों, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं कि फाल्कन कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है, जिन्हों के थ्रू गए थे उनकी भी मेंबरशिप थी, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आउटसाइडर अलाउ हैं। मैं तो कहूँगी आप हाईली रिकमेंड करूँगी इसको विज़िट करें, एक्सप्लोर करें कि किस तरह सोसाइटी इसमें बनी हुई है। और दूसरा, इधर ना बहुत वैराइटीज़ की चीज़ें हैं, जैसे गेस्ट रूम है, आपके पास पूल साइट है, फाल्कन शॉप है, जिम है, स्क्वैश कोर्ट है, टेरिस बारबेक्यू है, स्विमिंग पूल
पूल है, आउटडोर लॉन है, मसाला रेस्टोरेंट है, किड जोन है, चाय ढाबा है, बुटीक है, तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर बहुत। मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी दिखाने की कोशिश की है, मैं सारे कवर नहीं कर सकती थी, तो आप ये हर सिटी में है, गुजरात में भी है और इस्लामाबाद में भी है, तो ये स्पेसिफिक जगह पे है एयरफोर्स की। तो अगर आपको मेरा ये वीलॉग और मेरी मेहनत पसंद आई है तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।